हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं साप्ताहिक राशिफल। चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे रहने वाला है, मेष से लेके मीन राशि तक ये सप्ताह पूरी फुल प्रिडिक्शन रहेगी। कैसे क्या चीज़ें होने वाली है आपके करियर वाइज, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में क्या चीज़ आपके लिए इस टाइम बताने वाली हो, तो चलिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चलिए जानते कि ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां दिखाई देती दे रही है लव लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन, थोड़ी सी आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें करनी पड़ सकती है कुछ अपनी लव लाइफ को लेके, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ को लेके आप थोड़े से आगे की चीज़ों को लेके बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं चीज़ें आप जो है अपने काम के लिए चीज़ें अगर कुछ देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग बताई जा रही है ये सप्ताह में। ट्रैवलिंग होगी, कहीं ना कहीं शिफ्ट करने के बारे में चीज़ें आप सोचते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। कुछ नई चीज़ें करेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को लेके याद ज़रूर करेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को लेके आप याद करके कुछ चीज़ें कुछ करने की कोशिश करना चाहते हो। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नई चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होगी आपके साथ कि जिस टाइम पर कुछ थोड़ा सा बोलते ना कि नया डिसीजन लेना है, कुछ नई चीज़ें करना है, कुछ नए डिसीजन को लेके आगे बढ़ना है, ये वाली सिचुएशन आपकी रहेगी। थोड़ा सा लव लाइफ में परेशानी रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेवल ज़्यादा रहेगा, मतलब थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं ये सप्ताह में। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है। तो सरेंडर कर दीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब भी टाइम सही नहीं है, थोड़े टाइम के लिए रुक के अगर चीज़ें करते तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या कहना चाहती है। तो ये सप्ताह में चीज़ें जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती थी, चीज़ें दिखाई देती दे रही, कुछ नई चीज़ों को लेके आगे ज़रूर बढ़ेंगे। थोड़े से हेल्थ इशू रहेंगे, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें होगी कि थोड़ा सा रुक के काम होगा, पर काम के लिए शुरुआत ज़रूर होगी। कुछ नई चीज़ों को सीखना या फिर कुछ नई चीज़ें करने का मन ज़रूर होगा। शायद ऐसी चीज़ें होगी कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इशू थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी काम नहीं रुकेगा। हेल्थ इशू होने के बावजूद भी आप काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस ज़रूर रहेंगे। रिलेशनशिप में थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि कहीं किसी का सपोर्ट ना मिले। अगर आप सपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं लव फीलिंग्स मिले, कहीं प्यार की फीलिंग्स मिले, कहीं रिश्तेदारों की फीलिंग्स आपके साथ अच्छे से अटैच रहे, तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी। आप खुद होकर अपनी चीज़ों को लेके प्रॉपरली तरीके से हर चीज़ों को लेके हैंडल करके आगे चीज़ों को लेके बढ़ते हुए दिखाई देते दे रहे हो। किसी के भरोसे पे नहीं रहोगे, अपनी चीज़ें खुद करोगे, ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती दे रही है। तो चलिए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हुए दिखाई देते दे रहा है। तो आपके लिए जैसे कि आप जितनी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक होगी। कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ा रोमांस के लिए चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं तो वो बेस्ट रहेगा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए चलिए जानते कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे क्या चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग होगी, कई पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई देती दे रही, कुछ नए काम को लेके कुछ नई चीज़ों को लेके सोचते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। कुछ आगे बढ़ेंगे, पैसे के बारे में भी सोच रहे, जितने पैसे कमाएंगे उतने पैसे को लेके खर्च भी होगा ये टाइम पे, पर कुछ नई चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते रहे। थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि कहीं ना कहीं दुश्मन थोड़े से परेशान कर सकते, पर आप दुश्मनों को बोलते ना कि अपने आप से काफ़ी अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करके जो होते ना कि बातें जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेगी। कुछ नए काम के बारे में सोच रहे तो नए काम की जर्नी आपकी दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छा चलेगा आपका कुछ भी अगर आप नए काम को लेके आगे बढ़ते हो तो। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो इसको प्लीज़ पहले सुनिए, फिर बाद में जो है अपनी चीज़ें बोलिए, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेगा। और कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। ट्रस्ट ज़रूरी है, कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल लेके आते तो चीज़ें सारी ठीक होगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या कहना चाहती है, आपके लिए क्या चीज़ें जो है आपके लिए ये सप्ताह में रहेगी।
तो ये सप्ताह में एनर्जी आपकी ओवरऑल चीज़ें ऐसे दिखाई देती धीरे धीरे कि काफ़ी ज़्यादा स्टक, काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि कुछ चीज़ें होते होते रुकती जा रही है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके खुद होके रुकेंगे। ऐसे लगेगा कि कहीं ना कहीं टाइम सही नहीं, अभी चीज़ें ना करें तो ठीक है, बट बाकी पैसे को लेके एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई देती धीरे। काम भी अच्छा चलेगा, काम भी अच्छे सोच समझ के करेंगे, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते रहे। पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ आपकी इशू थोड़े दिखाई देते दे रहे, कहीं ना कहीं सडनली थोड़े से चेंजेस जरूर आएंगे आपके लाइफ में, कुछ बदलाव आते हुए दिखाई देते रहे, कुछ बदलाव आपके लाइफ में जरूर आएंगे। पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले रहे, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर परचेसिंग करें तो थोड़े टाइम के लिए अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी टाइम सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले रहे, कुछ अगर चीज़ें ले रहे तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती है, तो ये चीज़ें अभी ये टाइम पर खरीदी करना जो है आपके लिए सही नहीं रहेगा। बाकी रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी चीज़ें, घर से कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो एंजल्स के लिए जो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें कि कहीं कुछ पुरानी बातों को लेके अगर याद करें तो उस चीज़ को लेके भूल जाओ, और कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी होती हुई दिखाई देती धीरे, कुछ पुरानी चीज़ों को लेके नई चीज़ों में कुछ नई चीज़ें बातें होती हुई दिखाई देती धीरे, तो आगे आपके लिए चीज़ें ठीक होने वाली है। अभी जो जितनी भी पुरानी चीज़ें उसको भूल जाइए। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। तो ये सप्ताह में आपकी एनर्जी जो दिखाई देती दे रही, काम को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगी, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई देते दे रहे। कुछ भी काम हो आप थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए दिखाई देते दे रहे, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल को लेके सिक्योर आपकी ये टाइम पे चीज़ें ज़्यादा रहेगी, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे ये टाइम पे, ऐसी चीज़ें होगी कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई देते दे रहे। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू होंगे पर ज़्यादा नहीं दिखाई देते दे रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली वालों को भी समय देंगे, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ अपनी कम्युनिकेशन भी करते हुए दिखाई देते दे रहे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो आपकी कुछ ऐसी बातें रहेगी कि वो कुछ अपनी गुप्त बातें भी जो है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े पैसे ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं जितने कमा रहे उतने खर्च हो सकते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा जो है आपका उतने कि जितने आ रहे उतने खर्च होना, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, ये वाली चीज़ें ज़रूर रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो एंजल्स के लिए पहले ही कार्ड जो है गिर चुके, तो अभी टाइम सही नहीं है, पर अबंडेंस के लिए अभी चीज़ें जो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके साथ होने वाली हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए अभी जैसे कि चीज़ें देखी जाते दिखाई देती दे रही कि काफ़ी ज़्यादा सेविंग करते हुए दिखाई देते दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी होगी पर सेविंग को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं पैसे को लेके सिक्योर करना ज़्यादा चीज़ें चलती हुई दिखाई देती दे रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी होगी पर कहीं ना कहीं बोलते ना कि स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो सकता है, कहीं ना कहीं परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें होगी कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं उलझाना, कहीं ना कहीं खुद होकर डिसीजन गलत लेना, ये वाली चीज़ें हो सकती है। कुछ नए काम को लेके भी आगे बढ़ रहे तो उसमें भी डिसीजन थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो अभी डिसीजन ना लें। कहीं ना कहीं ट्रैवल मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जिस जगह पे उस जगह से थोड़ी दूर जाने की चीज़ें आप सोच रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी जो न्यू ईयर जो है आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके नई चीज़ों को लेके लेके आया, कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती दे रही है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए तुला राशि वाले। तुला राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या कहना चाहती है। तो ये सप्ताह में चीज़ें ऐसे दिखाई देती दे रही, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो, जो चीज़ों को लेकर सोच रहे हो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को लेकर डिसीजन जो है थोड़े से गलत होते हुए दिखाई देते दे रहे। सडनली ऐसी चीज़ें होगी कि अपनी जो भी चीज़ें हैं आप किसी को नहीं देना चाहते, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें चल रही है। जहाँ पे भी काम करें थोड़ा सा वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं घर पे भी नेगेटिव इफेक्ट आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप में रहें, किसी के लेन देन में ना रहे, पर कहीं ना कहीं काफ़ी कोशिशों के बाद भी चीज़ें ऐसी होती जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में इन्वॉल्वमेंट आपका आ ही जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है कि आपके बारे में कौन चीज़ें कैसे क्या बोल रहा है। ये चीज़ें ज़्यादा करके होगी कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होगी, कहीं ना कहीं कुछ बड़े डिसीजन आपके खिलाफ लिए जाएंगे जो आपको पसंद नहीं आ सकते, ये वाली चीज़ें होगी। बट सारे चीज़ों में से एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपने आप में फिट है, कहीं ना कहीं अपने आप को लेके काफ़ी उतने सक्षम है कि जिसकी वजह से आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये वाली पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें आपके लिए ये हफ्ते में रहेगी कि आप खुद के मन से कुछ एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, अपने लिए एक स्टैंड रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है। तो कम्युनिकेशन क्लियरली कर लेना है, विदिन ये थोड़े से 5 मंथ चीज़ें जो रहेगी आपके लिए, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं होने वाली, थोड़े फिर इसके बाद आपकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी।
शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है, अगर कुछ कोर्ट कचहरी के मामला थे तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के कुछ बड़े पेरेंट्स के कुछ डिसीजन रहेंगे, आपके लिए कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल दिखाई दे रहा है। तो कहीं चीज़ें ऐसी हो सकती है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है अगर, तो अपने लव लाइफ के लिए जैसे कि जिनसे प्यार करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज की बात है, तो आपकी ये टाइम पे सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं नया पार्टनर, लव फीलिंग्स, न्यू लव लाइफ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रहेगी। डाइवोर्स होते होते शायद डाइवोर्स नहीं होने के चांसेस भी दिखाई देते दे रहे। अगर आप नहीं चाहते तो आपके डाइवोर्स नहीं होंगे, ये चीज़ें हो सकती है। तलाक वाली चीज़ें अगर हो रही है तो वो चीज़ों से भी आपको राहत मिल जाएगी, मतलब नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे, अपने अपने जो भी बोलते ना कि जो भी मन था, जो भी चीज़ें थी, कुछ ड्रीम्स था, वो कंप्लीट होते हुए मुझे ये सप्ताह में आपके लिए दिखाई देते दे रहा है। बिजनेस भी अच्छा चलते हुए दिखाई देते दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में भी होगे तो जॉब में अभी आपकी सक्सेस होती हुई दिखाई देती दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो जैसे कि आपके लिए चीज़ें, जैसे कि कुछ टाइम के लिए अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं कुछ चीज़ें, अगर कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करनी है तो। एंड जैसे कि आपको कहीं ना कहीं किसी से हेल्प मिल जाएंगी, कुछ प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, तो और चीज़ें जैसे बोलते हैं ना कि और चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने से और चीज़ें आपकी होती रहेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए धनु राशि वालों के लिए। चलिए जानते हैं कि आपके लिए धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से कुछ चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ ज़्यादा दिखाई देती दे रही है, कहीं पर भी चीज़ें थोड़ी सी परेशानियाँ वाली नज़र आती हुई दिखाई देती दे रही है। कहीं ऐसे हो सकता है कि कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर याद करें, काफ़ी ज़्यादा थोड़े से लॉसेस को लेकर भी थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती दे रही है। कुछ नई परचेसिंग करने के बारे में सोच रहे, कुछ नए हाउस या फिर कुछ नई चीज़ें परचेसिंग करने के बारे में सोच रहे, कुछ बिग चीज़ें तो आप कर सकते हैं, टाइम अच्छा है। कहीं ना कहीं चीज़ें बदलाव ज़्यादा आपके में दिखाई देते देगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लेकर बदलाव आपके अंदर आते हुए दिखाई देते दे रहा। कहीं पर ज़्यादा ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई देती दे रही है। अगर पैसे को लेकर आप बढ़ोतरी चाहते हैं, काम को लेकर, तो वो चीज़ें हो सकती है। कहीं ना कहीं बाहर जाना भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़रूर दिखाई देती रही है। जो फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं तो उनके लिए फॉरेन ट्रिप ये टाइम पे आ सकती है। कहीं ना कहीं टीम वर्क होकर आपका काम भी अच्छे तरीके से चलेगा धनु राशि वालों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो एंजल्स जैसे कि आपके लिए कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज़ें वो ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा ट्रस्ट आप में लेके आइए, जहाँ से चीज़ें आपकी और चीज़ें बेटर हो जाए। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह में चीज़ें जो है आपकी कहीं ना कहीं आप कुछ प्रैक्टिकल होकर कुछ पैसे कमा रहे हुए दिखाई देते दे रहे। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, पैसे को लेकर खर्च बहुत कम करेंगे। ट्रैवलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं काम से लेकर ट्रैवलिंग ज़रूर होगी। घर पर अगर मैरिज की बातें चल रही या फिर कुछ फंक्शन पर जाने की चीज़ें चल रही तो वहाँ पर आपका समय ज़्यादा बीत सकता है। कुछ कोर्ट कचहरी के मामला होंगे तो वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगा, लोगों की बढ़ोतरी, लोगों की इज्जत, मतलब बोलते हैं कहीं ना कहीं आपके लिए प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लोगों में आपकी चर्चाएं काफ़ी अच्छी सी तरीके से हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने बोलते हैं कि अपने आप में एक थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जैसे कि जहाँ तक चीज़ें दिखाई देती थी कि कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कि कार्ड्स में चीज़ें दिखाई देती, कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, पर कहीं ना कहीं कुछ लकी साइंस या फिर कुछ लकी चीज़ें आपके लिए कन्वर्ट हो सकती हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, ये सप्ताह में आपके लिए चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो ये सप्ताह में चीज़ें आपकी ज़्यादातर की दिखाई देती दे रही। कहीं ना कहीं आप थोड़े से पैसे को लेके खर्च नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ों को लेके परेशान ज़रूर दिखाई देते दे रहे। कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक, कहीं ना कहीं परेशान वाली चीज़ें आ रही, पर प्रैक्टिकल होके चीज़ें जो है आप आगे करेंगे। कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क पे काम करें, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो तो चीज़ें आपकी ठीक चलेगी। पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोड थोड़ा सा खुद होके काम को लेके काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिसके लिए काफ़ी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। जहाँ तक चीज़ें दिखी जाती है कि लव लाइफ के लिए चीज़ें ठीक है, रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक दिखाई देती दे रही है, ट्रैवलिंग ज़रूर होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए।
तो जैसे कि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ सवाल के जवाब जो आपको चाहिए होगी वो आपको मिल सकते, कहीं ना कहीं आपको कुछ और भी चीज़ें कुछ ऐसे ही होते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे इंट्यूशन पावर्स हैं कि कुछ आपकी जो चीज़ें जो नहीं होने वाली होगी वो भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो ये सप्ताह में चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं थोड़े से काम को लेकर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों की बातें अगर कुछ हो रही तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके कहीं ना कहीं काम में या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें होगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है कि आपके कुछ काम को लेकर कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, कुछ बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे सडनली आपके अंदर हो सकती है कि कुछ परेशानियों को लेके थोड़े से बोलते हैं ना कि कहीं थर्ड पर्सन की वजह से परेशानियां आ सकती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होगी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं अपने काम को लेके या फिर अपने रिश्तों को लेके। तो ऐसी कुछ चीज़ें होगी तो वहाँ पे उन चीज़ों को लेके बोलते हैं कि अवॉइड करना है। कहीं ऐसी चीज़ें होगी कहीं ना कहीं आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, अनबैलेंसिंग हो सकते हैं, वो चीज़ें आप में रहेंगी। कुछ अपने काम को लेके आगे ज़रूर बढ़ेंगे, काम को लेके चीज़ें अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें अगर अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है, पर अगर कुछ रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है तो कहीं ना कहीं उनके वजह से कोई परेशानियां आपके लाइफ में आ सकती हैं, कहीं ना कहीं किसी का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ को थोड़ा ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूर होगी मीन राशि वालों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता। तो एंजल्स मैसेज आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिस ईयर आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों को लेके आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। टैरो कार्ड रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है, एंजल कार्ड रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है, न्यूमरोलॉजी भी रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है। साथ ही साथ अगर आपको स्पेल करवाने हैं या फिर रेकी हीलिंग या फिर लामा फेरा हीलिंग करवानी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको जो है आपको सारी डिटेल्स दी गई है, मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। तो सारे उस वेबसाइट पर सारी डिटेल्स दी गई हैं तो आप चेक कर सकते हैं। एंड कुछ अगर आपको कुछ चीज़ें आपको कुछ करवानी है या फिर रीडिंग करवानी है तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट में बुक करके आप बुक करवा सकते हैं। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ न्यू टिप्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।